हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक स्केल चाहिए और पेंसिल और कंपास चाहिए। तो इनकी मदद से आज हम सीखेंगे कि कैसे हम रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, ये हो गई हमारी 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ। इसको हम नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे सकते हो आप, पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, ये हमारी क्या होगी, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, इस बी पॉइंट से हमने 1 सेंटीमीटर लाइन को आगे बढ़ाना है, लाइन सेगमेंट को। हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को और आगे बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर तक। देखिए, ये 1 सेंटीमीटर हमने और आगे बढ़ा दिया और इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट सी। ओके, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ए से सी की जो लाइन है, तो देखिए यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसके बाद बी से सी तक हमने 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए सी एक लाइन आ गया। अब हमने इस ए सी का जो है वो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, ए सी का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ड्रॉ। तो देखिए वो कैसे करते हैं, इस सी पॉइंट पर हम कंपास रखेंगे और हाफ से ज़्यादा खोलेंगे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा खोल दिया, देखिए हाफ से ज़्यादा है। एक आर्क ऊपर मारेंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे, फिर इस कंपास को हिलाना नहीं है और जितनी ये सेगमेंट थी उसी, जितनी ये सेंटीमीटर थी उसी को हम ए पॉइंट पे भी रखेंगे और एक आर्क ऊपर मारेंगे, एक आर्क नीचे। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट ए सी का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हम इसको कर देते हैं जॉइन ऐसे करके। ठीक है, अब जो हमारा ये पॉइंट आया, इंटरसेक्ट हो रहा जहाँ पे ये लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ओ। अब देखिए बच्चों, हमने क्या करना है कि ये पॉइंट ओ पे रख के कंपास को ए तक लाना है, पूरा मेजर करना है। ये हम ए तक इसको मेजर करके, जितना ए होगा उतना ही, जितना ओ से ए होगा उतना ही ओ से सी होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाईसेक्टर क्या करता है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको जॉइन कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, हम इसको ऐसे डायमीटर, एज ए सर्कमफ्रेंस के तौर पे इसको जॉइन कर देंगे पूरा। तो ये देखो हमारे पास सेमी सर्कल बन गया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट बी था, इस पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। आप चाहे तो कंपास से कर सकते हो और चाहे तो आप प्रोट्रैक्टर से भी डायरेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कंपास से करना सिखाऊंगा, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे ऐसे रखा, एक आर्क मारे बी पॉइंट पे रखे, फिर इस पॉइंट पे रख के 90 डिग्री का, तो आई थिंक सबको आता ही होगा ड्रॉ करना। ये देखिए एक आर्क इधर से मारी और एक आर्क यहाँ से यहाँ, तो ये हमारे पास ये आ गया 90 डिग्री का। इसको हमने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, इसको कोई भी नाम दे दो, पॉइंट ए बी सी, इसको हम डी नाम देते हैं। अब बच्चों देखो, जितना ये बी से डी आएगा ना, ये बी से डी हमारे पास 9.3 रूट 9.3 आ चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर लाना है। नंबर लाइन नीचे है तो हम इस लाइन को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये थोड़ा सा अगर हम इसको आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब हम इस बी डी को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ले आएंगे। ठीक है, देखिए ये बी से डी है, देखिए आप देख रहे हैं ये बी से डी है, इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ले आएंगे। देखिए ये हम इसको ले आए नंबर लाइन पे नीचे, तो ये जो पॉइंट कटा यहाँ पे, इंटरसेक्ट हुआ आर्क, दिस इज़ रूट 9.3, दिस इज़ रूट 9.3। तो
आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने देखो सबसे पहले क्या किया, एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 9.3, उसके बाद बी से सी तक हमने एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर आगे, फिर हमने इस पूरे लाइन सेगमेंट ए सी का हमने क्या किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर हमने ओ पे कंपस रखी और ए से इसको ऐसे सी तक ले आए ज्वाइन कर दिया, फिर हमने बी पे 90 का एंगल ड्रॉ किया और हमारे पास डी पॉइंट आ गया और इस डी पे कंपस रख के हमने इस आर्क को नीचे लाए, तो ये हो गया रूट 9.3। अब ये तो हो गया रूट 9.3, अब हम इसको प्रूफ करके भी बताएंगे कैसे ये रूट 9.3 हुआ, ठीक है। अभी आगे देखिए, तो चलिए अभी हम इसको प्रूफ भी करके दिखाते हैं कि कैसे जो है वो ये रूट 9.3 आया, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ओ से डी को ज्वाइन कर लेंगे, इस ओ डी को हमने क्या किया ज्वाइन करना, ठीक है। ओ डी को हमने क्या कर लिया ज्वाइन कर लिया। अब देखो हमारे पास क्या बन रहा है, अब देख रहे हो यहाँ पे एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ बी डी, क्योंकि ये 90 ड्रा किया था तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ बी डी, हम ऐसे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी डी, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे हमने क्या किया था, देखिए हमारे पास ए से बी कितना था, रूट 9.3 था ना, ए बी हमने सबसे पहले रूट 9.3 डालेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बी हमारे पास कितना था अंडर रूट 9.3 और लेट कर लेंगे उसको कि ये एक्स के बराबर है, ठीक है। लेट कर लिया कि ए बी जो है वो एक्स के बराबर है, ठीक है। और बी से सी हमारे पास कितना था, आगे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया था हमने, बी से सी हमने 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड किया था, ये भी लिख लिया हमने, ठीक है। अब ए सी कितना होगा, ए से सी, ए बी तो हमने एक्स लेट कर लिया और बी से सी 1 है, तो ए सी कितना हो गया एक्स प्लस 1, ये तो सिंपल है, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं ए सी को, ए सी कितना हो गया एक्स प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए सी किसको मिला के बन रहा है ए बी और बी सी को, और ए बी तो है एक्स और बी सी है 1, तो ए सी कितना हो गया एक्स प्लस 1। अब आप एक बात देखना, ए से सी अगर एक्स प्लस 1 है हमारे पास, तो ओ से सी कितना होगा, ओ सी जो है ए सी का हाफ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ओ सी को, ओ सी जो है वो क्या है ए सी का हाफ है, ठीक है, ए सी का हाफ है। तो ए सी अगर एक्स प्लस 1 में ए सी की जगह लिख देता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ओ सी हमारे पास ओ सी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 1/2। उसी तरीके से अगर हमने ओ बी निकालना, हमको चाहिए क्या मेन ओ बी, ठीक है। बट अभी एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ समझ रहे हो, यहाँ पे देखना जितना ओ सी है ना उतना ही ओ डी है, क्योंकि ये दोनों एक सेम सर्कल के रेडियस हैं, हमने इसको सेंटर माना था और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया था। अब जितना ये यहाँ से है, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो इक्वल ही होता है, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जितना ये था देखिए उतना ही तो ये है, तो जितना ओ डी है उतना ही ओ सी है, तो अगर ओ सी हमारे पास एक्स प्लस 1/2 आया तो ओ डी भी तो उतना ही होगा, ओ डी भी कितना होगा एक्स प्लस 1/2, देखिए ओ डी हमारे पास आ चुका है, ओ डी की वैल्यू एक्स प्लस 1/2। उसके बाद देखिए ओ बी हम निकालते हैं, देखिए ओ बी कितना होगा, ओ बी कितना होगा, ये पूरा है ए बी एक्स, उसमें से क्या माइनस करना है बी सी मीन्स 1 सेंटीमीटर/2, तो ओ बी भी आ गया उतना, ठीक है। अब देखिए ओ बी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और ओ डी की वैल्यू भी आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डेट इज ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा याद कर लेता हूँ, मिल नहीं रहा है, हाँ ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए ओ डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी x+1 x+1/2 का होल स्क्वायर, यही था ओ डी x+1/2। ओ बी की वैल्यू कितनी आई x-1/2 का होल स्क्वायर, और डी बी तो हमको निकालना है, डी से बी ये तो हमने निकालना है डी बी का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ से हम इसको इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ये x माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह तो सिंपल ही है। अब देखिए आगे मैं ऐसे कर लूँ, आगे देखिए ये आपको क्या मिल रहा है, देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी डेट इज़ x प्लस वन अपॉन टू, ये हो गया a, प्लस b क्या है x माइनस वन अपॉन टू, ए प्लस बी इसको हम पूरा ब्रैकेट में रखते हैं एंड a माइनस बी, ए माइनस बी, ये तो सिंपल है, इज इक्वल टू क्या था डी बी का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन टू प्लस एक्स माइनस वन अपॉन टू, इसको भी ओपन करेंगे एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन टू यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा ना, ये देखिए इज इक्वल टू डी बी का स्क्वायर। ये देखिए दोनों का टू एलसीएम है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे करके, स्पेस कम है। देखिए ये डिनोमिनेटर एलसीएम टू आएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन, यही होगा। और अगर मैं इन दोनों का भी एलसीएम से टू आएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इजिकल टू डी बी का स्क्वायर, ठीक है कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे ये प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल तो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स अपॉन टू, और यहाँ पे प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल क्या होगा, वन प्लस वन टू अपॉन टू इजिकल टू डी बी का स्क्वायर। ये देखिए टू से टू कैंसिल है, ये भी टू से टू कैंसिल तो क्या बचा, एक्स इजिकल टू डी बी का स्क्वायर। स्क्वायर को उस तरफ ले आएंगे तो हम क्या हो जाएगा, रूट एक्स इजिकल टू डी बी। तो डी बी कितना आ गया हमारे पास, देखिए डी से भी कितना गया, रूट एक्स, और रूट एक्स को हमने क्या लेट किया था, देखिए रूट एक्स की जगह हमने क्या लेट किया था 9.3, तो आ गया हमारे पास डी बी इजिकल टू रूट 9.3। तो यही था, आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको कमेंट में दोबारा से बता दूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बच्चों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।